हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम निकल पड़े हैं भुवनेश्वर नाइट शो दिखाने के लिए, और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आप देख पा रहे होंगे अभी, ये भुवनेश्वर नाइट व्यू का नज़ारा है। और हम ये 75 इंडिपेंडेंस डे, तो सबको बोलूँगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद जय भारत। तो इसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं 75 इंडिपेंडेंस डे। तो बहुत सारा चीज़ हम आपको आज दिखाएंगे, और ख़ास करके हम नाइट में आए हैं क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ दिखा सके। तो देखिए, ये भुवनेश्वर का नाइट का नज़ारा है, और कैसे हमारा राजधानी, ओडिशा का राजधानी सजाया हुआ है आपको आज हम दिखाएंगे। तो देर ना करके चलिए देखते हैं कैसे हमारा राजधानी सजाया हुआ है। जय हिंद जय भारत। तो ये हम आपको दिखाएंगे भुवनेश्वर रात का नज़ारा, इतना खूबसूरत लग रहा है और बारिश भी शुरू हो गया है। हम आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है कि कैसे हमारा राजधानी, जो ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है, कैसे लग रहा है रात। करीब ये रात 12 बज चुके हैं, मिडनाइट है। तो मिडनाइट में आपको ये सीन आप देख पा रहे होंगे, बारिश भी हो रहे हैं। हम चलते हुए आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में चलते हुए दिखा रहे हैं। तो इतना ही देखिए, और मोबाइल में पानी भी अंदर आ गया है, तो रहते हैं आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए, वेलकम टू भुवनेश्वर। हम अभी रेलवे स्टेशन में आके पहुँचे आपको कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। देखिए कैसे खूबसूरत से हमारा भुवनेश्वर, ओडिशा का जो राजधानी है, तो भुवनेश्वर सजाया हुआ है। इतना खूबसूरत लग रहा है, हम दिख के भी चमक गए, इतना खूबसूरत सजाया हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये कितना तिरंगा जैसा बैलून लगा हुआ है, और देखिए कितना सब कुछ हमारा जो शहीद का स्मृति में बहुत सारा लगाया हुआ है। ये पहले प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो कितना खूबसूरत से ये दीवार पे चिपका गया है। देखिए बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत पुराना चीज़ यहाँ दिखाया गया है आपको, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और वहाँ पे एक स्टेज होगा, और कुछ आपको परफॉर्मेंस देखने के मिलेगा, और कुछ स्पीच भी देखने के मिलेगा। तो ये पुराना कुछ चीज़ें हैं जो आप दीवार पे चिपका हुआ है दिख पा रहे होंगे, और ये हमारा पिछला स्मृति को याद दिलाता हुए हमारा 75 इयर्स इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। और देखिए वहाँ पुलिस भी खड़े हुए हैं सुरक्षा देने के लिए, भीड़ को नज़र में रखते हुए। तो ये आप देखिए और एंजॉय कीजिए, कितना खूबसूरत सजाया हुआ है रेलवे स्टेशन। खास करके रात में हम आए हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ें दिखाने के लिए, ऐसे देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ज़बरदस्त सीन आप लोग देख पा रहे होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कीजिए अपने घर में और अपने देश में। ये अभी हम भुवनेश्वर में है, ये रात का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 इंडिपेंडेंस डे। ये भुवनेश्वर का नज़ारा है, आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत ढंग से ये सजाया गया है। हमारा
उड़ीसा का राजधानी जो भुवनेश्वर है, ये रात का नज़ारा। तो इसको आप एंजॉय कीजिए और 75 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कीजिए। हर घर तिरंगा, हर घर आजादी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा से भुवनेश्वर गया। अब ये देख रहे हैं ये खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे लड़का लड़की सेल्फी ले रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, जय भारत।